हाँ जी, राम राम, जय माता दी। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। शाम का टाइम है, 4 बज गए हैं और मैं आके सो गई थी। तो मैं कहाँ गई थी, तो देखो हमारे वहाँ पे सेव पड़े हैं। सेव सेव मतलब सेव यहाँ पे रखे हैं अभी। मतलब तो मैंने आज फिर गाड़ी चलाई और आज फिर मेरा जो है थोड़ी सी मतलब तबीयत अनबैलेंस हो जाती है। मेरी गर्दन की ज्यादा दिक्कत हो जाती है मेरे को। तो अब मुझे नहीं लगता कि मैं गाड़ी भी चला पाऊंगी, है ना। जैसे जो हालात है, जैसी जो कंडीशन है, तो अभी मैं पता है कहाँ पे जा रही हूँ, जहाँ आंखों में सोजिस था, काजल लगा के गई थी और काजल सारे मुंह के लपेट पे आए, मुंह पे जो चिपका के आई हूँ। ये बड़ा गंदा काजल है, सारे फैल जाता है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है ना। बच्चों की तरह सब, जैसे बच्चों को लगा रहता है ना, सारे चारों साइड काजल ही काजल। मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को अच्छा लगना चाहिए ना। तो चलो यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। पता है मैं कसूरी मेथी बनाने जा रही हूँ। मतलब कसूरी मेथी के लिए क्या होता है ना, पहले तो मैं इसको काट लूंगी, ठीक है, फिर पत्ते छांट लूंगी। तो बहुत बड़ी बड़ी मेथी हो चुकी है, अभी इसकी जरूरत नहीं है, इतनी बड़े होने की इसको जरूरत नहीं है अभी। तो क्योंकि ये बाद में ना, बाद में फिर बहुत जल्दी हो जाएंगे, इसमें वो फलियां नहीं लगेंगी और सिंगल सिंगल डाली ऊपर को जाएगी। अगर हम इसको अभी काट देंगे तो क्या होगा कि इसमें जो डाली है ना, वो नीचे से दो तीन टहनियां बन के निकलेंगी, ठीक है। चलो मैं कैमरे से दिखाती हूँ आपको। रहा हमारा प्यारा सा जो हमारा गार्डन है, देखो सोआ। अच्छा यहाँ पे खुशी की बात क्या हो रखी है, अभी करती हूँ इनकी केयर। ये देखो टमाटर की डाली में ढूंढ रही थी ना, एक दो और ये तीन, तीन टमाटर के डाले इनको नींद के ना। अगर ये हो जाती है तो फिर हमारे टमाटर होती नहीं यहाँ पे। कई दिनों से मैं ट्राई कर रही हूँ, यहाँ पे होती नहीं। और इसको देना था हमने सेज, उतने को मैं हो गई बीमार, ठीक है। तो फिर मेरे से तो उठाई जाए नहीं, एक तसला उठाया था मैंने, ये फेंका था यहाँ पे, बस उसको फेंकने के बाद आप पूछो ही मत। तो अभी जो है आज मैंने सोचा कुचाल पटना, हनी आज भी चला गया कहीं आके काम से, तो बस ऐसा ही है, क्या करें। तो चलो अभी ना ये देखो, ये धनिया है, ये मैंने बहुत लेट लगाया था, ये वाला धनिया, ये देखो, ये वाला तो मैंने पहले लगा दिया था ना, ये वाला धनिया पहले लगा दिया था। अच्छा वो पा रहे बोरू। ये देखो मेथी काफी बड़ी बड़ी हो रखी है ना, अब मैं इसको काट दूंगी, इसको छोटा छोटा कर देंगे हम। कैमरा सेट कर लूंगी मैं कहीं पे। और इधर सरसों है, काफी अच्छी सरसों हो रखी है, और उधर मटर है, और मटर को ना वो डंडे जैसे गड़ने को आ गए। क्या करूं, क्या क्या करूं, घर में कोई रहता नहीं आजकल, तो घर में कोई रहता नहीं आजकल, तो फिर समस्या हो जाती है। अच्छा इसमें नहीं, अल्ट्रा वाइड, तो कहाँ लगाऊं इसको, कैमरे को सेट करना पड़ेगा पहले तो। नहीं यहाँ कैमरा भी सेट ही नहीं होगा अच्छी तरह से, नहीं हुआ। इतनी बेकार से ऐसी सेल्फी स्टिक है ना, क्या होता आप लोगों को। तो ये देखिए यहाँ पे मैं मेथी काट लूंगी, और ये वीडियो काफी दिन पहले की, अब तो हमारी मेथी कसूरी मेथी बन भी चुकी है सूख के, और जिस दिन मैंने काटी थी वो काफी दिन हो गए हैं, और आज तो हम प्याज लगा रहे हैं। वो वाली वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कल तक। तो मतलब ये मेथी ना जितनी बार काटो ये उतनी बार बहुत अच्छी तरह से होती है, और अब तो ये काफी अच्छी हो जाएगी, अब तो बहुत अच्छी हो चुकी है, काटने के बाद भी काफी मतलब बढ़िया हो चुकी है। तो ये देखिए, और ये घर की चीजें है ना, फ्रेश फ्रेश ताजा ताजा, कितना अच्छा लगता है ना, कितना बढ़िया लगती है ना देखने में भी। यहाँ पे मूली है, पालक है, मटर है, सरसों है, बहुत कुछ है हमारे किचन गार्डन में इस बार लगा हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं लेंटर के ऊपर, और देखो हनी ने, तो यहाँ पे मैंने कड़ी पत्ता भी डाला था, उसको भी जो है
वो भी सूख गया है, ये देखो इसको भी यहीं डालूंगी सूखने, क्योंकि नीचे तो इसका जो जो का डर रहता है। आप गांव देखिए उतने को, जो तो तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसको डाला है। अभी मैं ना कड़ी पत्ता अलग कर लेती हूँ, और ये देखो इसको रख दिया मैंने यहाँ पे अभी फिलहाल, और उतने को मैंने ये अलग करना है कड़ी पत्ता, ठीक है, इसके ऊपर, और फिर इसको ले जाऊँगी नीचे। और ये रखा मैंने यहाँ पे, मेरे सिर में ना हल्की हल्की दर्द हो रही है। तो ये देखिए अभी सूख गया है ना, तो इसको मैं ये कर लेती हूँ। आप कढ़ी बनाओगे, कुछ भी बनाना हो तो ये बहुत काम की चीज है, ठीक है। तो ये देखो एक एक डंडी निकाल लेती हूँ मैं, ये तो निकल गए, और फिर मैं इसको किसी डब्बे में भर दूंगी नीचे जाके। जो ये देखो मैं लेके आई थी इसको अपने मायके से, जिस दिन मैं गई थी उस दिन लेके आई थी। जो जो पता नहीं किसको फोन करा, जो जो कौन है बेटा, जो जो कौन है, ये किस पत्ता बहुत काम का है, तड़के साथ सभी तड़कों में पड़ जाए ना तो एक अलग सी खुशबू देता है। और सबसे बड़ी बात कि ये मतलब बहुत बेनिफिट होते हैं इसके, मुझे पहले मुझे भी नहीं था पता, वैसे मुझे भी तभी पता लगा जब मैं खुद यूट्यूब पे आई ना उसके बाद। हम तो सिर्फ सोचते कि कड़ी के लिए इसका यूज, इसका यूज बालों के लिए, पशुओं के लिए, रेगुलर अगर कंटिन्यू, हमारे बहुत सारी चीजें हैं मायके में, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं होती, क्या करें। तो अभी इसको ढकना पड़ेगा, मैं फिर से आऊंगी ऊपर, और तब तक मैं ये कड़ी पत्ता नीचे लेके जाती हूँ अपने, क्योंकि शानू आने वाला है, मुझे उसके लिए कुछ बनाना है। और अभी कुछ भी नहीं है तो चावल का, चावल को मिक्स करके जैसे ना उसमें बना दूंगी। तो चलो नीचे चलते हैं, बहुत प्यारा सा व्यू, फिर आती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको, है ना। मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया और हल्दी भी डाल दी तड़के में, ये देखिए। और अब मैं ये डाल लेती हूँ, फोन आ रहा था किसी का, पहले मैं सब्जी बना लेती हूँ उसके बाद फिर उठाती हूँ। और अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे, ज्यादा नहीं, हम ना कुछ भी खा ले चाहे जैसे मर्जी, होटलों में, शादियों में, बस ये चीजें एक दो दिन ही अच्छी लगती हैं और बाकी घर का खाना ही अच्छा लगता है। तो हम तरस गए थे इतने दिन से घर का खाना खाने को, और अभी जो है घर का खाना ही होता है, और बिल्कुल भी मतलब अजीब जैसा टेस्ट हो गया, अजीब कभी, और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि शाम को आ जाती थी सब्जियां और फिर जो है सुबह कई बार सुबह भी उनमें ही तड़का लगाना, और फिर कई बार जो है
शाम तक वही मतलब खराब तो आजकल होती नहीं, सर्दियों में भी कौन बनाया, थोड़ा ऐसा आलस भी हो जाता था। तो आज बहुत दिनों बाद जो है घर का खाना मिल रहा है, तो बस मैं अब चावल बनाऊंगी और उसके बाद जो है थोड़ी सी चपातियां लगाऊंगी। देखो मेरी माला अभी मैंने खोली नहीं, इसको खोल लूंगी मैं, बढ़िया लगती है और परे जाने के लिए ना, अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगती है ये गले में। तुम ना आए हो तुम मैंने रो रो के पर गुजारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। कह देना मुरलिया वाले से तेरा यार सुदामा आया है। तो अब हो गया हमारा ये तड़का भी, और अब मैं इसमें डाल दूंगी दाल, और अब इसी कुकर में फिर डालूंगी चावल भी। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा उबाल दे देते हैं, ये देखो बस एक ही डंग के लिए बनाऊंगी मैं, ज्यादा नहीं। ये देखो, कह देना मुरलिया वाले से हो तेरा यार सुदामा आया है, ना हलवा है ना पूरी है, ना हलवा है ना पूरी है, वो तो कच्चे चावल लाया है तेरा यार सुदामा आया है। कह देना हो, कह देना मुरलिया वाले से तेरा यार सुदामा आया है, ना जूता है ना चप्पल है, ना जूता है ना चप्पल है, हो वो तो नंगे पाँव आया है, हो तेरा यार सुदामा आया है। कह देना मुरलिया वाले से तेरा यार सुदामा आया है, हो तेरा यार सुदामा आया है, तेरा यार सुदामा आया है। वो कह देना मुरलिया वाले से तेरा यार सुदामा आया है। कैसा लगा आपको कृष्ण का भजन, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और चलिए मैं चावल डाल लेती हूँ, फिर मैं लास्ट में मिलती हूँ आपसे, ठीक है।